इस सुथार ने कहां ले आई स्वर्ग की डिबिया पल भर में, जानी पहचानी सी दुनिया रंगी थी जो हाथों से, पतली सकरी गलियां ये दिलचस्प लगे चलचित्रों से, मीठी मीठी हंसी सुहानी घनी फूटरी लागे से। अब गाड़ी दिख गई तीन चका की, सोचो थोड़ो घूम घाम लू, हुनु ऊपर गयो चक्कर खा के, ऊंची है इमारत अरे अरे बाजार में टपके, बड़े नगर में आके हम तो हंस गए, या भी लोगा वा भी लोगा हंसी बगड़ती सबके मुख से, अरे गणी खम्मा बंदर सा आप भी उदयपुर पधारे। हाथी पोल की चुनरी देखी, हंसी ठिठोली सखियां मिल गई, कृष्ण प्यार में राधा रम गई, पहरेदारी खूब समझा, कंगन लड्डू सब कुछ देख गया, मारो कावड़ कटे ना। उदयपुर घूमते घूमते हम भूल ही गए, आपको मारे कावड़ की कहानी भी तो सुनानी है। छोटा सा गांव है जी, लोग सीधे साधे और बच्चे भूले पले, सभी अपने रंग में रंगे हुए, इस समय चक्र को रंगीन बनाने में लगे हुए हैं। इस शिव मंदिर की दीवारें, श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर की ऊंचाई और इस धार्मिक कुंड की गहराई, कहते हैं ये सब कुछ एक ही रात में बन खड़ा हुआ था। कहने को तो ये गांव आम ही है, लेकिन इस गांव की कहानियों में कुछ अलग ही राग है। यहाँ सबकी अलग कहानी, सुनने का तरीका भी अलग। बस्सी तो वाराणसी बजमल मोती राम रतन लक्ष्मीनाथ का यहाँ पूर्ण विषय। मेरा नाम द्वारका प्रसाद धनीर है, मैं बस्सी का रहने वाला हूँ। ये कावड़ 500 साल पुरानी आर्ट है। पहले के ज़माने में मंदिर नहीं थे, गांव के लोग अनपढ़ थे, शहरों में मंदिर थे तो मुगलों के टाइम में तोड़ दिए गए थे, एक धर्म का प्रचार करने का माध्यम ही था। गांव गांव में घर घर में जाके धर्म का प्रचार करते थे। पारंपरिक धंधा है हमारे पिताजी आठ 500 साल पुराना है। हम नागौर डिस्ट्रिक्ट के थे, यहाँ पे 500 साल पहले हमारे को यहाँ लेके आए। यो मारी कर्म भूमि है, सबसे पहले लकड़ी को यहाँ काटा जाता है, फिर मशीन से थोड़ी घिसाई और अब हाथों का काम शुरू। यहाँ से बनने वाले कावड़ का अहम हिस्सा शुरू होता है, किवाड़ को आकार देना, फिर गोलाई में काटा जाता है किवाड़ के खांचों के लिए। एक मेरी आरी, दूजा है स्केल, तीसरी हथौड़ी, छोटी बड़ी छैनी, कीले थोड़ी सी, कैंची में सिल रेती और रद्दा, संगी है सब मेरे। हो गया तैयार मंदिर का आकार, लो बन गया कावड़। अब आगे की कहानी हमारी घर वाली सुनाएंगे। मारा
मैं घिसाई करता हूँ और भूरा लगाऊँ और सफेदा लगाऊँ और थोड़ा बहुत मोती लगाऊँ। रंगाई घिसाई के बाद आखिर में बारी आती है चित्रों की। कहते हैं कावड़ बनाने वाला, सुनाने वाला और सुनने वाला तीनों स्वर्ग को जाते हैं। शायद इसीलिए इसे स्वर्ग की डिबिया कहा जाता है। राम राम जी।